दोस्तों, यह आदमी इस जेल से कभी भी भागना नहीं चाहेगा, क्योंकि यह एक जेल नहीं बल्कि स्वर्ग है। यहाँ आप खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों न हो, आपको दिया जाएगा। और तो और, जेल में आपको एक ऐसी लड़की भी मिलेगी जो काफी सुंदर होगी। दरअसल जब किम को यहाँ लाया जा रहा था तब ये काफी दुखी था। इसको एक दर्जन से अधिक लोगों को खल्लास करने के आरोप में उम्र कैद की सजा मिली थी, परंतु इसको जेल में आते ही एक बड़ा सा कमरा, वो भी डबल बेड के साथ और पर्सनल बाथरूम दिया गया जो काफी साफ सुथरे थे। किम इस जेल से भागने के अलावा यहाँ चाहे जो कर सकता है, क्योंकि यह जेल ह्यूमन राइट्स का पालन करती है। लेकिन ये सब देखकर अब किम को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह जेल गार्ड का गला दबाने लगता है और बोलता है, तुमने मुझे लिप्पू समझा है क्या? मुझे तो लगता है तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो। तभी गार्ड बोलता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में यह एक मानव अधिकारिक जेल है, आपको यहाँ हर चीज मिलेगी, चाहे कुछ भी ऑर्डर करो। लेकिन किम काफी हैरान है, क्योंकि यहाँ पीने के लिए बियर, खाने के लिए फल और हर दिन पहनने के लिए नए नए कपड़े रखे हुए थे, और वह चाहे तो ये सब अपनी पसंद का भी मंगवा सकता है। अगले दिन जब किम सोकर उठता है तो वह देखता है कि पहले से ही उसका नाश्ता तैयार है और उसने ऐसा खाना आज तक कभी नहीं खाया था। खाने के पास ही किम को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, उन्होंने उसे नहीं जगाया क्योंकि वह बहुत गहरी नींद में सो रहा था। किम को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने तो कई लोगों को मौत के घाट उतारा था, फिर भी उसकी इतने अच्छे से देखभाल हो रही थी। लेकिन अब किम पूरा खाना कूड़ेदान में फेंक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि खाने में जहर मिलाया गया है। लेकिन अब जेल गार्ड उसके सामने खाना टेस्ट करता है और बोलता है, सर, फिर भी यदि आपको ये खाना पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने इच्छा अनुसार ऑर्डर कर सकते हैं। तो किम अपनी पसंद का खाना मंगवाकर बड़े चाव से खाता है, फिर मजे से गेम खेलता है और उसके बाद सोने से पहले मस्त गर्म पानी से नहाकर बाहर आता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किम ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल जेल गार्ड अब उसके लिए एक सुंदर सी महिला कैदी लाता है जिसका नाम मिसू था, और बोलता है, सर, ये सुंदर कन्या खास आपके लिए, आप अकेले में बोर हो रहे थे शायद। लेकिन किम लड़की को देखकर काफी हैरान होता है और जेल गार्ड के जाते ही लड़की का गला दबाने लगता है, फिर उसे बोलता है, तुम जरूर उनसे मिली हुई हो और तुमको मेरा मजाक बनाने के लिए भेजा गया है। तभी गार्ड यहाँ आकर किम को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेड पर बांध देता है। किम को जब होश आता है, किम मिसू पर भड़कते हुए बोलता है, साली चिमकांडी, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर। लेकिन तभी वह देखता है कि मिसू उसी के पास खड़ी होकर रोने लगी है और किम से बोलती है कि मुझे मेरा पति बहुत मारता पीटता था और एक दिन झगड़े के दौरान मेरे हाथों मेरा पति चल बसा और इसी तरह आज मैं यहाँ इस जेल में पहुँच गई। लड़की की बातें सुनकर किम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए दूसरे दिन अब किम उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा है। लेकिन अब किम उससे सॉरी मांग लेता है, इससे धीरे धीरे उनके बीच सब ठीक हो जाता है। वे दोनों साथ में टीवी देखते हैं और हंसी मजाक करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, लेकिन किम को क्या पता कि आखिर में उसकी इस खुशी में बहुत दुख आने वाला है, जिसमें किम हर पल मौत की भीख मांगेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी बीच किम को मिसू से प्यार हो जाता है, इसलिए किम अगले दिन मिसू को प्रपोज करने के लिए एक गिफ्ट तैयार करता है। अगले दिन जब गार्ड मिसू को लाता है तो वे दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। अब किम रात ठीक 9 बजे का प्लान बनाकर उसको प्रपोज कर देता है, जिससे मिसू काफी खुश होती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं और जीवर कर खूब इश्क लड़ाते हैं। इसी बीच किम मिसू के साथ जेल के अंदर ही गार्ड की मदद से शादी भी कर लेता है। तभी मिसू किम के जबरदस्त प्यार के बदौलत प्रेग्नेंट भी हो जाती है, जिससे किम काफी खुश होता है। फिर कुछ दिनों बाद मिसू को प्रसव पीड़ा होने लगती है, इसलिए उसको जेल के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अंदर डिलीवरी चल रही होती है और इधर किम काफी परेशान हो रहा है। किम जिंदगी में पहली बार इतना परेशान था। तभी बच्चे के चीखने की आवाज आती है, इसलिए किम काफी खुश होता है। पर अफसोस, उसकी खुशी थोड़ी देर की ही थी, क्योंकि डॉक्टर उसे बताता है कि अब आपकी पत्नी की जान नहीं बच सकती और वो अभी तुमसे मिलना चाहती है। किम जब मिसू से मिलता है तो मिसू बोलती है, बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। इसलिए अब किम उससे वादा करता है कि वह हर कीमत पर बच्चे का ख्याल रखेगा, और ऐसे में अब मिसू भी चल बसी है। परंतु अब किम देखता है कि बच्चा काफी टाइम से रोए जा रहा है। किम उसको शांत करने की कोशिश करता है, पर वह चुप ही नहीं हो रहा था, इसलिए वह घबरा जाता है और एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है कि उसकी कॉल कोई नहीं उठाता। दरअसल ये सब पहले से प्लान किया गया था, क्योंकि जिन लोगों को किम ने मारा था उनके रिलेटिव्स चाहते थे कि वह भी अपनों को खोने के दर्द में जिए। अब हमें पता चलता है कि जो मिसू नाम की लड़की किम से इश्क लड़ाने आई हुई थी, असल में वह इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट थी, जिसके अंदर इंसानी फीलिंग्स डालकर किम के लिए भेजा गया था, जो कि अब फीलिंग लेस है। इधर उसका बच्चा भी रोबोट है, इसलिए जज अब एक स्विच दबाकर बच्चे की सांसें रोक देता है, जिससे किम काफी दुखी हो जाता है। और इस तरह किम अब रोज अफसोस और दर्द में पल पल मर रहा है। और आखिर ऐसे ही किम को उसके पापों की सजा मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कैदी को दी गई यह सजा आपको कैसी लगी, और क्या हमारे भारत में भी इस तरह का जेल होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो।